सरदारपुर तहसील के ग्राम हनुमंथा के भैरू पिता बगदीराम मारू की विगत दिनों धार के जिला जेल में मौत हो गई है। इस मामले में आज बड़ी संख्या में मारू कुमावत समाज के लोगों ने सरदारपुर एसडीएम राहुल सिंह चौहान को राज्यपाल, मुख्यमंत्री एवं जेल मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें दोषी अधिकारी को सस्पेंड कर परिजनों को 1 करोड़ का मुआवजा, परिवार के सदस्य को नौकरी व आरोपी जिम्मेदार अधिकारी के ऊपर हत्या का मामला दर्ज कराने के लिए ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजन उपस्थित रहे। 27 तारीख को धार जेल में जो हमारे समाज का भेरू टाक पिता बगदीराम टाक हनुमंत काक का है, उसको लाठी बलपूर्वक लातों से हाथों से मार मार के हत्या कर दी गई। जब हमको पुलिस वालों वहाँ से जेल से सूचना मिली, थाने के द्वारा थाने से हमको सूचना मिली रात की 9:30 बजे, जबकि अभी कैदियों द्वारा और संतरियों द्वारा हमको ये जानकारी मिली है कि वहाँ पे भेरू की मृत्यु दिन में 2 से 3 के बीच ही हो चुकी थी, और उनने उस मामले को दबाने के लिए परिवारजनों को रात में 9 बजे जानकारी दी। हम जब सुबह 8 बजे गए तो 8 बजे हमको जेलर द्वारा बोला गया कि उसको अटका है, लेकिन सही बात तो ये थी अंदर कैदियों द्वारा नारेबाजी की जा रही थी कि भेरू के शव को वापस लाओ, भेरू के हत्यारों को फांसी दो। तो स्पष्ट ये है कि जेलर और उनके संतरियों ने ऑफिशियली मिलकर उसको भेरू को मारा है, मार मार कर। ज्ञापन के माध्यम से एसडीएम साहब को हमने दिया है, प्रतिलिपि गृह मंत्री और सीएम साहब और राज्यपाल साहब के नाम दिया है, निष्पक्ष जांच हो, न्यायिक जांच हो, और हमने जो वीडियोग्राफी जज साहब के सामने करवाई है, निष्पक्ष तरह से जो निलंबित करें, हम निलंबित नहीं उनको बर्खास्त करें, और उनको हत्या के आरोपी 302 का मुकदमा दर्ज हो। सरकार से हमारी यह मांग है कि परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि दी जाए और परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। सरदारपुर तहसील से विशेष सिंह राजपूत की रिपोर्ट।